हाँ तो आप सुन रहे हो संगीत और सत्संग के महापर्व के द्वारा ये निर्गुण भजन। आपने कहानी तो सुनी होगी तोते और मैने की। देखिए पक्षियों में भी कितना ज्ञान होता है, पक्षी भी अपना और पराया जानते हैं, भला और बुरा जानते हैं। इसलिए कभी भी हमें किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए, दुख देना नहीं चाहिए। अगर हमारी आंखों के सामने कोई किसी पक्षी को पशु को अगर कष्ट दे रहा हो, दुख दे रहा हो बेवजह, तो हमें उसे रोकना चाहिए, समझाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक जीव है। जितना परमात्मा का निवास, ईश्वर का निवास हमारे तुम्हारे मनुष्य शरीर के अंदर है, उतना ही निवास उस पक्षी और पशुओं के अंदर है। ये दुनिया अपने के साथ में बहुत बड़ा दगा करती है। तुम किसी के साथ में भला करोगे तो आगे चल करके तुम्हें उसका परिणाम गलत ही मिलेगा, यानी नेकी के साथ में बदी है। जो तुमने भलाई की है उस भलाई को वो भूल जाएगा। अगर तुमने कोई छोटी सी गलती कर दी तो उस बात को लेकर के वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ये हाल है इस दुनिया का। और जिसको तुम अपना समझ करके बहुत कुछ उसके साथ में कर दो, लेकिन वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा आगे चल। लेकिन प्यारे मैं एक मार्मिक बात और कहूंगा, आध्यात्मिक बात और कहूंगा। ये तो दुनिया की नीति, ये तो दुनिया की रिवाज है, लेकिन मेरा विचार है कि अगर हम अच्छा करेंगे ना, तो जो परमात्मा है, जो ईश्वर है ना, उसके यहां जो तराजू है वो आपको अच्छे का कई गुना अच्छा करके देगा। आप दुनिया की रीतियों को मत देखो, इस दुनिया को मत देखो, आप अच्छा करते जाओ, आप भला करते जाओ, आपका भला होगा, चाहे सामने वाला करे या ना करे, जिसके साथ में आपने किया वो करे या ना करे, लेकिन परमात्मा आपका भला अवश्य करेगा। उससे कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है। सुनिएगा इस भजन को, बड़ा ही सुंदर निर्गुण भजन है, क्या बताऊं। सुनिएगा मेरे निर्गुण भजन के प्रेमियों, इस सत्संग रूपी गंगा में आइए गोते लगाते हैं। और बताया है इस दुनिया में अपने जो होते हैं वही सबसे ज्यादा धोखा देते हैं, दगा करते हैं, क्योंकि नेकी के साथ में बदी है। प्यारे संसार जोड़े से चल रहा है, कोई मेट नहीं सकता। तेरा झूठा मोह जगत में, तोते से बोली मेरा, खेलों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना।
सपनों से बच कर रहना। प्यारे अपनों से बच करके रहना, दुनिया में सावधान जो रहेगा वही अपने मुकाम को पहुंचेगा। तेरा झूठा मोह जगत में तोते से बोली मेरा, तेरा झूठा मोह जगत में तोते से बोली मेरा, गैरों से मतलब क्या है अपनों से बच कर रहना। मन बने
किसी का कहना, खेलों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। ओ खेलों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। सोचिएगा क्या वो अपना नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान को मारने के अनेकानेक प्रयत्न किए। और क्या अपनों से बच कर रहना, गैरों
हाँ तो आप आनंद ले रहे हैं संगीत और सत्संग के इस महापर्व में। ये निर्गुण भजन आपके बीच में बहुत ही सुंदर लेकर के आया हूं। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी। हमारे जीवन के लिए लकड़ी कितनी जरूरी है, कितनी आवश्यक है। दुनिया में हर एक वस्तु आवश्यक है, अनावश्यक कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए लकड़ी जब जन्म होता है, जिस पलंग पर हमारा जन्म होता है वो भी लकड़ी का होता है। जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो लकड़ी के सहारे से चलते हैं। डोली पालकी यानी शुरुआत से एंड तक आप सोचिएगा, सुनिएगा इस भजन को, आध्यात्मिक दृष्टि से देखिएगा कि इस भजन में जो गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है वो कितनी सुंदर बात है। एक दिन लकड़ियों के बीच ही हमें तुम्हें जलना पड़ेगा। ये हमारा शरीर जो पांच तत्वों से बना हुआ है ना, एक मुट्ठी जो राख बनती है ना, वो भी इन लकड़ियों के द्वारा ही बनती है। हमारे जीवन में, मानव जीवन में लकड़ी का बहुत बड़ा महत्व है। आइए सुनते हैं इस भजन के द्वारा, बड़ा ही प्यारा भजन है शिरत। सुनिएगा मेरे सत्संग के प्रेमियों, ये निर्गुण भजन एक आध्यात्मिक दृष्टि में अगर देखा जाए तो ये बात सत्य है। और ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा भजन को। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी और देख तमाशा लकड़ी का, क्योंकि इस दुनिया में एक लकड़ी और एक लड़की के पीछे दुनिया पड़ी हुई है। और सुनिएगा इस आध्यात्मिक बातों के द्वारा, ध्यान दे करके सुनिएगा प्यारे, कितनी सुंदर बात बताइए कभी नहीं। अरे जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का हो, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का हो। जन्म लेते हैं उस समय भी लकड़ी से काम पड़ता है, और जब मरण होता है उस समय भी लकड़ी से ही काम पड़ता है। कितनी सुंदर बात लिखी है कवि ने। अरे जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का हो, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का, जीते
भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। और सुनिएगा प्यारे, जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। प्यारे, जब जन्म होता है, जिस पलंग पर हमारा जन्म होता है वो भी लकड़ी का होता है। माता जब लोरी सुनाती है, पालने में झुलाती है, वो भी पालना लकड़ी का होता है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, कितने सुंदर शब्द लिखे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि में बड़ी ही गहराई लिखी है। भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। प्यारे, जब फड़ने जाते हैं, पहले जो पट्टियां होती थी वो लकड़ी की होती थी, कलम और दवात लकड़ी की होती थी, लेकिन गुरु जब शिक्षा देते थे तो वो भी लकड़ी का डंडा होता था। इसलिए सुनिएगा आध्यात्मिक वचनों को, बड़ी ही अच्छी सीख मिलती है हमें ऐसे वचनों से। हमें हमेशा अपने जीवन में उतारनी चाहिए इन सीखों को। अरे जिस समय भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। प्यारे, जब विवाह होता है कितना प्रसन्न होता है, लेकिन मंडप भी लकड़ी का है, लेकिन जब व्रत हो जाता है लकड़ी से ही लेना पड़ता है। प्यारे, सोचिएगा लकड़ी कितने काम की है।
जन्म से और मरण तक एक एक शब्द को सुनेगा प्यारे। लकड़ी मरते भी लकड़ी एक तमाशा लकड़ी का हो, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी एक तमाशा लकड़ी का हो। प्यारे डोली और पालकी वो भी लकड़ी की होती है, जन्म मरण अंत में सहारा लकड़ी का ही लेना पड़ता है। क्या बात है, क्या सुंदर भजन है, एक बार अवश्य सुनिएगा। मरते भी लकड़ी एक तमाशा लकड़ी का हो, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी एक तमाशा लकड़ी का हो। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी एक तमाशा लकड़ी का हो, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी एक तमाशा लकड़ी का। प्यारे इस माया जाल में फंस के, इस बवाल में फंस के हरी से दूर होता हुआ चला जा रहा है। जरा सोच तू क्या कर रहा है और क्या करना है तुझे, तो ध्यान दीजिएगा। निर्गुण भजन में बड़ी सुंदर बात बताई है, लेकिन उससे पहले थोड़ा आइए प्रवचन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जब सारे कामों से मैं निवृत्त हो जाऊंगा तभी हरि का भजन करूं, लेकिन प्यारे एक बात बताऊं, एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था, घोड़े को जोर की प्यास लगी, जब प्यास लगी थी तो कुछ दूर कुएं पर एक किसान बैलों से रहट चलाकर खेतों में पानी लगा रहा। वो मुसाफिर कुएं पर आया, घोड़े को रहट में से पानी पिलाने लगा,
पर जैसे ही घोड़ा झुककर पानी पीने की कोशिश करता है, रहेंट की ठकठक की जो आवाज से डर कर पीछे हट जाता है। फिर आगे बढ़कर पानी पीने की कोशिश करता है, फिर रहेंट की ठकठक। मुसाफिर कुछ क्षण तो यह देखता रहा, फिर उसने किसान से कहा कि थोड़ी देर के लिए अपने बैलों को रोक लो, ताकि रहेंट की जो ठकठक बंद हो, जो मेरा घोड़ा है वो पानी पी सके, रोक लो थोड़ी देर। अब किसान ने कहा, भैया जैसे ही बैल रुकेंगे कुएं में से पानी आना बंद हो जाएगा, जैसे ही मैं बैल खड़ा करूंगा हैं, तो कुआं में से जो पानी आ रहा है वो बंद हो जाएगा, इसीलिए पानी तो इसे हाँ ठक-ठक में ही पीना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही प्यारे, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है ऐसे ही यदि हम सोचें कि जीवन में जो ठक-ठक जो हलचल बंद हो, तभी हम भजन करें, संध्या करें, वंदन करें हैं, आदि करें, तो यह हमारी भूल है। हमें भी जीवन की ठक-ठक हलचल में से ही समय निकालना होगा, तभी हम अपने मन की तृप्ति कर सकेंगे, वरना उस घोड़े की तरह हमेशा हम प्यासे ही रहेंगे। सब काम करते हुए, सब दायित्व निभाते हुए प्रभु स्मरण में भी भले लगे रहना ही होगा हमें, क्योंकि जीवन की ये ठक-ठक तो चलती रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ प्रभु का नाम भी लेना हो। आइए तभी चलते हैं हरि के भजन। हो कैसी भूल गयो ईश्वर को, बस के माया जाल में, भूल गयो ईश्वर को, बस की माया जाल में, माया जाल में, रे बंदे कौन बवाल में, हो कैसे भूल गयो ईश्वर को, बस की माया जाल में। पसा पड़ा है माया की इन बेड़ियों में, अरे प्यारे इन बेड़ियों से बाहर निकल और देख क्या तुझे मानव का शरीर क्यों मिला। अरे गर्भ मासु में वायदा की ना, बाहर आई नाम नहीं लीना, गर्भ हो गर्भ मासु में वायदा की ना, बाहर आई नाम नहीं लीना, हाँ राम नाम ना भजो फसो तू कौन जंजाल में, हो कैसे भूल गयो ईश्वर को, बस की माया
बस खेल गवायो, ढल गई जवानी बुढ़ापो आयो। प्यारे बालापन खेलने में गुजार दिया और जवानी ढल गई फिर बुढ़ापा आ गया। बालापन हंस खेल गवायो, ढल गई जवानी बुढ़ापो आयो। हाँ होकर मद में चूर बसो तू माया जाल में, कैसी भूल गयो ईश्वर को बच के माया जाल में। बच्चे हो गए, परिवार में बिजी हो गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन फिर भी माया में फंसा पड़ा है। मन मरान माया मरी और मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी यूं कह गया कवि। जवानी पन में इश्क कमायो, वायदा घबरायो। हो जवानी पन में इश्क कमायो, वायदा से नहीं घबरायो। ईश्वर को पस के माया जाल में। धन दौलत सब ही रह जावे, पाप घटरिया संग में जावे। अरे धन दौलत सब ही रह जावे, पाप घटरी या संग में जावे। अरे हरि नाम ना लियो फसो तू कौन जंजाल में, हो कैसे भूल गयो ईश्वर को बस के माया जाल में। कैसे भूल गयो ईश्वर को बस के माया जाल में। हतो आइए मेरे सत्संग के प्रेमियों, जो सत्संग रूपी गंगा बह रही आइए इसमें डुबकी लगाते हैं। और क्या बताया है कभी ने, बड़ी सुंदर बात कही है, जीवन एक पतंग है और इसमें जो सांसों की डोरी है, जिस दिन वो डोरी टूट जाएगी उस दिन ये जीवन थम जाएगा, रुक जाएगा। बड़ी सुंदर बात कही गई है प्यारे, यानी श्रद्धा और अहंकार के बारे में। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा बहुत बड़ा बल है, लेकिन यह श्रद्धा अंधविश्वास में नहीं बदलनी चाहिए, अंधविश्वास में नहीं बदलनी चाहिए। भक्ति और अंधभक्ति, विश्वास और अंधविश्वास में बहुत सूक्ष्म विभाजन है, रेखा है। जब तक श्रद्धा के साथ विवेक है, ज्ञान है,
समझ है तब तक अंध नहीं है, और श्रद्धा आंखें हैं, विवेक चरण है, दोनों का सम्य यानी सहयोग आवश्यक है। यदि श्रद्धा विवेक के साथ है तो सम्यक दृष्टि के साथ है, तभी हमारा कल्याण वो करती है। अहंकार क्या है? सब चाहते तो हैं गुणों का उपार्जन करना, समझना अहंकार किसे कहते हैं, पर इकट्ठे हो जाते हैं गुना। इसका कारण यह है कि चाहते हुए भी हमारा अपने मन पर संयम नहीं रहता है प्यारे, यानी हम जानते हुए भी मानते नहीं है। बड़ी सरल भाषा में आपको समझाना चाह रहा हूं, इसमें समता सहिष्णुता के भाव नहीं पनप पाते, यानी अहंकार विषय यहां फन फैलाए खड़ा रहता है। समता और सद्गुण उसमें भयभीत होकर के पास नहीं आते हैं। समझिएगा, जब तक अहंकार का नाश नहीं होता है तब तक जीवन में समभाव का उदय नहीं हो सकता। इसलिए अहंकार को दूर करना होगा, तभी ये भेदभाव की बुद्धि है, बड़ा और छोटा ये सारी बातें हमारे मन से दूर होगी। ये अहंकार हमें विनाश के रास्ते पर लेकर के जाता है। इसलिए ये जीवन बड़ा छोटा है, जीवन रूपी पतंग तंग जब ही अपने शिखर पर पहुंचेगी तब आप इस अहंकार का त्याग कर दोगे, भगवान से सच्चे मन से भजन करोगे, गुणगान करोगे, यानी निर्मल जन मन सो मोई पावा मोई कपट छल छिद्र न भावा। बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, जिसका मन निर्मल है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान के यहां कभी छल कपट हैं, ये कभी चलने वाला नहीं। इसलिए आइए गौर करते हैं भजन के द्वारा, सुनिएगा। जीवन एक पतंग है और श्वासों की इसमें डोरी है, सुनिएगा। कवि ने बड़ी सुंदर भजन के द्वारा बात कही गई। क्या बात है, जय हो यारे, जीवन में एक पतंग की डोर की तरह है, ये श्वासें जब तक चल रही है जब तक हमारा जीवन है। क्योंकि श्वास श्वास पे नाम भजो वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास को आवन होए ना होए। क्या बात है, ध्यान दीजिएगा मेरे भगवत प्रेमियों, कितनी सुंदर बात लिखी है कवि ने। एक पतंग है और श्वास ही इसकी डोर रे, श्वास अगर ये टूट गई तो कहीं नहीं फिर टोर रे, श्वास अगर ये टूट गई तो कहीं नहीं फिर टोर रे। एक पतंग है और श्वास ही इसकी डोर रे, श्वास अगर ये टूट गई तो कहीं नहीं फिर टोर रे, श्वास अगर ये टूट गई तो कहीं नहीं फिर टोर रे। जय हो यारे, एक एक श्वास बड़ी ही कीमती है, अनमोल है। प्रत्येक सांस पर हमें हरि का नाम लेना है, क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का।
पास। हाँ टूट जाए जब पतंग से धागा तो हो जाती है ये खाक। जब तक धागा रहे पतंग में ये छूने लगती आकाश। टूट जाए जब पतंग से धागा तो हो जाती ये खाक। श्वास है अनमोल ये कहती जीवन हर भोर रे। सांसे अगर ये टूट गई तो कहीं नहीं फिर ठोर रे। जीवन एक पतंग है सांस ही इसकी डोर रे। सांस अगर ये टूट गई तो कहीं नहीं फिर ठोर रे। कितनी सुंदर बात, कितनी अनमोल बात कही है कवि ने सांसों के ऊपर। क्योंकि सबसे ज्यादा इस दुनिया में जरूरी हमारे लिए ये सांसें हैं। जीवन रूपी यदि पतंग को चाहते हो ऊंचा उड़ाना तुम। योग विद्या को जीवन में अपनाना तुम। ये पतंग कितनी ऊंची उड़ेगी और कैसे उड़ेगी ये ऋषि मुनियों से ज्ञान मिलेगा प्यारे। जीवन रूपी यदि पतंग को चाहते ऊंचा उड़ाना तुम। ऋषि मुनियों की योग विद्या को जीवन में अपनाना तुम। योग विद्या को जग में कोई चुरा सके ना चोर रे। श्वास अगर ये टूट गई तो कहीं नहीं फिर ठोर रे। जीवन एक पतंग है और श्वास ही उसकी डोर रे। श्वास अगर ये छूट गई तो कहीं नहीं फिर ठोर रे। प्यारे जितनी लंबी सांसें अब जितना अधिक जीना चाहते हैं तो वो हमें ऋषियों मुनियों से ज्ञान प्राप्त होगा, उनकी विद्या योग विद्या लेनी होगी। और अंतिम मंद में कितनी सुंदर बात लिखी है जीवन रूपी पतंग के ऊपर। जीवन रूपी पतंग को तुम ले जा सकते हो शिखर पर। प्राणायाम जैसी योग विद्या को करना हो मुखर पर। जीवन रूपी पतंग को ले जा सकते हो शिखर पर। प्राणायाम जैसी योग विद्या को करना हो मुखर पर। अरे प्राणों के बिन तेरा कौन रे, कुछ भी लगे न तेरा मोल रे। श्वासें अगर ये टूट गई तो कहीं नहीं फिर ठोर रे। जीवन एक पतंग है श्वासें उसकी डोर रे। अगर ये टूट गई तो कहीं नहीं फिर ठोर रे। श्वास अगर ये टूट गई तो कहीं नहीं फिर ठोर रे। श्वास अगर ये टूट गई तो कहीं नहीं फिर ठोर रे। हाँ तो लीजिए मेरे भजनों के प्रेमियों, बड़ी ही सुंदर बात बताई है कवि ने
एक सखी ने दूसरी सखी से एक बात कही। उसने कहा, बहन मैं क्या बताऊं, मैं जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण से होली खेली तो उस दिन मेरे साथ में क्या हुआ। जब भगवान ने मेरे सर पर पिचकारी मारी तो क्या बताऊं बहन। दूसरी सखी कहने लगी, अरे क्या हो गया बता तो सही। कहने लगी, बहन बड़ा गजब हो गया, मेरे सर पर पिचकारी मारी तो मेरा अहंकार ही निकल गया। हे सखी, वो साधारण रंग की पिचकारी नहीं थी, उसमें तो ज्ञान का सागर भरा हुआ था। अरे सखी और क्या बताऊं, दूसरी पिचकारी मारी ना तो कान पर। सखी ने पूछा, फिर उससे क्या हुआ। कहा, कान पर पिचकारी लगते ही मेरे कानों ने निंदा सुनना बंद कर दिया और सत्संग सुनने की इच्छा करने लगा। तीसरी पिचकारी मेरी आंखों पर मारी जिससे मेरी आंखें सारे जगत में जगदीश ही जगदीश देखने लगी, अर्थात कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगा मुझे। बहन क्या बताऊं, चौथी पिचकारी मेरे हृदय पर पड़ी जिससे हे मेरी सखी मेरा मन निर्मल हो गया और मन निर्मल होते ही मेरा सारा संसार ही बदल गया। मुझे ऐसा लगा कि आज आज अभी से ही मेरा जन्म मरण मिट गया, मैं सबसे ज्यादा धनवान हो गई हूं क्योंकि मेरा मन आत्मा को पाकर आत्मा रूप हो गया। पांचवी पिचकारी मेरे मुख पर पड़ी, हे सखी उसी समय से मेरी जीव भली भांति से सात्विक हो गई, सारे रस नीरस हो गए और उसी समय प्रभु का नाम जपने लगी। छठवीं पिचकारी, उसने तो गजब ही कर दिया सखी, गले पर लगी, गले पर मारी तो मेरी आवाज मधुर हो गई और मैं सत्य बोलने लगी। सातवीं पिचकारी मेरी पीठ पर मारी, अरे सखी उसी समय मैंने संसार को पीठ दे दी और मैं प्रभु की ओर मुख कर लिया, मैं प्रभु की हो गई। और आठवीं पिचकारी जब मेरे हाथों पर लगी सखी तो मैं क्या बताऊं, मैं कह नहीं सकती, मेरे में दया और दान का गुण आ गया, दया और दान प्रभु की कृपा से होता है। अरे सखी नवी पिचकारी को जब खाना ने मेरे पैरों पर मारा तब से तो प्रभु ने इतनी कृपा की कि प्रभु के गुणगान में करती हुई नाचने लगी, झूमने लगी, रास्ता भूल गई, केवल मैं प्रभु का मार्ग याद करने लगी। और जब देखा तब मुझे कृष्ण से मिलने की चाह। और क्या बताऊं सखी, दसवीं पिचकारी जब काना ने मेरे तन पर मारी तब से सखी मेरा अंग अंग कृष्ण बस गया है, मेरा रोम रोम से आनंद की लहरें निकल रही हैं। इस प्रकार से मन सहित दसों इंद्रियों में सभी गोपियों के रंग में मैं रंग गई। होली का अर्थ है क्या प्यारे, होली का अर्थ है क्या, यानी होली अर्थात उसके हो जाओ जो प्रभु का है, वही वह कभी डूबता नहीं, यानी इंद्रियों और मन की यानी मानव शरीर की प्रतीक्षा करते हैं कि यह देह साधना संपन्न है, इसमें रहने से हमारा क्या उद्देश्य पूर्ण होता है। अरे हमें सत्संग सुनना चाहिए मनुष्य शरीर पाकर के, दान पुण्य करना चाहिए, भजन करना चाहिए, तभी तो हमारे शरीर का उद्धार होगा। कृष्ण नाम गुण गुप्त धन पावे हरि जन संत, करे नहीं जो कामना दिन दिन हो अनंत। अरे सखी प्रभु का नाम गुप्त खजाना है,
जो प्रभु का नाम लेता है प्रभु उससे प्रेम करते हैं और उससे पतित पावन संत कर देते हैं। जो संसार की कामनाओं को छोड़कर प्रभु की शरण में जाता है वह दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करता है। इसलिए बहन देह धरे का फल यही है, देह धरे का फल यही भजमन कृष्ण मुरार मनुज जन्म की मौज यह मिले न बारम बार। आइए भजन का आनंद लेते हैं। हाँ तो सुनिएगा मेरे भजनों के प्रेमियों, क्या बताया इस भजन के द्वारा। ये भक्ति और भगवान का नाम कभी तुम्हें दगा दे नहीं सकता है। ये दुनिया दगा दे जाएगी लेकिन भगवान का नाम प्यारे कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। भक्ति दगा न देगी भगवान दगा न देगा, भक्ति दगा न देगी भगवान दगा न देगा। परम पिता परमेश्वर का, परम पिता परमेश्वर का चिंतन दगा न देगा। भक्ति भक्ति दगा न देगी भगवान दगा न देगा, भक्ति दगा न देगी भगवान दगा न देगा। अरे ऐश्वर्य देगा धोखा पापों की डूबे नौका, कुछ नेक काम कर ले फिर ना मिलेगा मौका, कुछ नेक काम कर ले फिर ना मिलेगा मौका। ऐश्वर्य देगा धोखा पापों की डूबे नौका, कुछ नेक काम कर ले फिर ना मिलेगा मौका, कुछ नेक काम कर ले फिर ना मिलेगा मौका। तन मन धन वतु कर दे, तन मन धन वतु कर दे अर्पण दगा न देगा। भक्ति भक्ति दगा न देगी भगवान दगा न देगा, भक्ति दगा न देगी भगवान दगा न देगा। प्यारे ये ऐश्वर्य ये धन ये दौलत ये रिश्ते ये नाते सभी धोखा दे जाएंगे, हमारे पापों की नौका जब डूबेगी है, लेकिन ये भगवान का नाम ये नेक काम कभी हमें दगा नहीं दे सकते हैं। हमें सब कुछ अपना अर्पण करना चाहिए भगवान के शरण में। माता पिता सबका पालन भी करता सबका, है वो दया का सागर सिमरन तू कर ले उसका, है वो दया का सागर सिमरन तू कर ले हरे का। अरे माता पिता वो सबका पालन भी करता सबका, है वो दया का सागर सिमरन तू कर ले हरे का, है वो दया का सागर सिमरन तू कर ले हरे का। चाहे करोड़ काम हो, चाहे करोड़ काम हो
सिमरन दगा न देगा भक्ति 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 दगा न देगी भगवान दगा न देगा भक्ति दगा न देगी भगवान दगा न देगा। मेरे प्यारे वो दया का सागर है, करुणा का भंडार है, ये सिमरन ये हरि का नाम कभी हमें दगा नहीं दे सकता है। और क्या बताया है, शुभ कर्म जग में कर ले, झोली को अपनी भर ले, भव सिंधु में फंसा है इसको तू पार कर ले, भव सिंधु में फंसा है इसको तू पार कर ले। शुभ कर्म जग में कर ले, झोली को अपनी भर ले, भव सिंधु में फंसा है इसको तू पार कर ले, भव सिंधु में फंसा है इसको तू पार कर ले। सब तुझको धोखा देंगे, सब तुझको धोखा देंगे, ईश्वर दगा न देगा भक्ति 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 दगा न देगी भगवान दगा न देगा, भक्ति दगा न देगी भगवान दगा न देगा। यारे शुभ कर्म ही हमारा साथ देंगे और शुभ कर्मों से हमें जो फल मिलेगा उससे हमारी झोली भर जाएगी, हमें जीवन में सुख और चैन मिलेगा, भव सिंधु से पार हो जाएंगे। भक्ति दगा न देगी भगवान दगा न देगा, भक्ति दगा न देगी भगवान दगा न देगा। परम पिता परमेश्वर का, परम पिता परमेश्वर का चिंतन दगा न देगा भक्ति 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 दगा न देगी भगवान दगा न देगा, भक्ति दगा न देगी भगवान दगा न देगा, भक्ति दगा न देगी भगवान दगा न देगा।